प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने कोटे की वर्ष 2021 से स्नातक, स्नातकोत्तर चिकित्सा, दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों की सीटों पर पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 27% व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 10% आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है। इस उपलब्धि पर 1 अगस्त 2021 रविवार दोपहर 1 बजे खरगोन भाजपा जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गयी, जिसमे भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व विधायक आत्माराम पटेल ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यालय सहमंत्री शेखर प्रजापति और जिला महामंत्री डॉक्टर विक्रम राठौर उपस्थित रहे। इस दौरान कसरावत के पूर्व विधायक आत्माराम पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूर, किसानों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौगात दी है, जिसकी उपलब्धि जन जन तक पहुँचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल विस्तार किया एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार में विभिन्न क्षेत्रों के ओबीसी वर्ग के सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला के बाद दूसरा फैसला क्योंकि भारत सरकार द्वारा लिया गया मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में 27% आरक्षण दिया गया, जिसके लिए और एक संकल्प के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी जब पहली बार संसद में गए थे और उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो मेरी सरकार है ये गरीबों को समर्पित है, ये मजदूरों को समर्पित है, ये पिछड़ों को समर्पित सरकार है, ये किसानों को समर्पित सरकार है। और इसी तारतम्य में लगातार उसी लाइन के ऊपर काम करते हुए हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार हर वर्ग का किस तरह से विकास हो, हर वर्ग विकास की दौड़ में कैसे आगे आए, हर वर्ग का बच्चा इस कंपटीशन में कैसे आगे आए, इसके लिए लगातार सरकार अनेक प्रकार के उपाय करती रही, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे सामरिक दृष्टि से भी हो, तो अनेक काम हो रहे। क्या है, जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी है और एक संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है कि हम हर वर्ग का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो है सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए या मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए सरकार ने अनेक योजनाएँ बताई, छात्रों के सर्वांगीण विकास और उनका अच्छा अध्ययन हो इसके लिए भी अनेक योजनाएँ बनाई। सरकार का कमिटमेंट था कि पार्टी का कमिटमेंट था कि हर वर्ग को जो है आरक्षण में हम बरोबर लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने पिछले 26 जुलाई 2021 को उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और जिसके तहत मेडिकल क्षेत्र में जो अखिल भारतीय स्तर के ऊपर जो केंद्र सरकार का कोटा होता है उसमें पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए भी 10% इस प्रकार का आरक्षण की व्यवस्थाएं सरकार ने की है, जिसके तहत दोनों वर्ग के जो बच्चे हैं उनको, जो विद्यार्थी हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। 27% जो आरक्षण की बात कर रही है वो अभी अटका हुआ मामला, क्योंकि आरोप लग रहा है कि इस कोर्ट में भाजपा की प्रदेश सरकारों से ही जवाब नहीं मिले, क्या कहना है? नहीं, इसमें जो है पार्टी प्रदेश लेवल पे और जो हमारे स्टेट लेवल के ऊपर जो सरकार जो कोर्ट में जो जवाब दे रही है, जो हमारे लायर हैं वहाँ पर अधिवक्ता सरकार के, वो अपना जवाब पेश करेंगे। कांग्रेस तो सड़कों में उतर रही है और बार बार आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस को इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर भी यही ड्यूटी मिली है कि सड़कों के ऊपर वो जन जागरण करें, तो वो कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।